जय हिंद वंदे मातरम। आप लोगों ने ये पोस्ट देखी होगी, एक पेपर में एक न्यूज़ निकली है, देखो आप देख सकते हो, आपको सामने दिख रही होगी, और इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल में जो सरस्वती माता की जो फ़ोटो लगी है, सरस्वती माता की फ़ोटो क्यों लगी है, उस पर एक बंदे ने किसी ने RTI लगाई है जो नास्तिक अपने आप को बताता है, ठीक है, और पूछ रहा है कि सरस्वती माता का शिक्षा में क्या योगदान रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ की रहने वाली हैं, इतने अपमानजनक शब्द कहे हैं, और ये देखो इन अधिकारियों की ये ढूंढने में भी लग गया कि इसका जवाब हम कैसे दें। ऐसे RTI वाले को RTI को फाड़ के फेंक देना चाहिए। आज धर्म शिक्षा के लिए हम साल भर से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक ना तो आवाज़ उठाई हम लोगों के लिए और ना हम लोगों को न्याय दिला पाए, और ऐसे बंदों के लिए आप लोग जवाब देने के लिए ढूंढ रहे हो। प्रशासन को पूरा चक्रा आ गया, पूरा हलचल मच गया कि जवाब कैसे दें। कल ये बोलेंगे आप लोगों से टीके लगा कर क्यों आते हो, आप लोगों से बोलेंगे कलाबा का क्या महत्व है भाई, ये प्रशासनिक अधिकारी कलाबा नहीं मान सकते, सरकारी ऑफिसों में ऐसा नहीं हो सकता, सरकारी ऑफिसों में पूजा नहीं हो सकती, अगरबत्ती नहीं लग सकती, तो कल ये धर्म पर पूरी तरह उंगली उठाएंगे। और मैं बोलता हूँ जो नास्तिक होते हैं इनको तो मुझे लगता है कि भारत को एक अलग ही हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि नास्तिक होते हैं इनके पास ज्ञान का कोई सोर्स नहीं होता, ये हमेशा समाज के लिए खतरे ही रहे हैं, हमेशा खतरा के रहे हैं। तो संविधान का जो दुरुपयोग कर रहे हो आप लोग, संविधान ने आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटियाँ दे रखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी भी धर्म पर बोलोगे, हैं दूसरे धर्मों पर बोल के देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। हिंदू धर्म इतना लचीला है, ये बोलता है कि तुम सुखी रहो हम भी सुखी रहें, यार इसका मतलब ये नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति हम लोग अपनाते हैं, हम लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो आप कुछ भी करोगे तो भैया ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि ऐसे ऐसे पेपरों में लोग पेपरों में भी छाप देते हैं। मीडिया वाले देखो, मीडिया वालों ने बाकायदा अच्छे से छापा है, ठीक है, मीडिया वालों को दो उद्देश्य हो सकते हैं, या तो एक समाज में जागरूकता जाए कि ऐसी ऐसी घटनाएं अब आने वाली हैं, या फिर मीडिया वालों ने इस उद्देश्य छापा हो कि अब सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, गणेश जी की अब सरकारी दफ्तरों में फ़ोटो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो आपको पता है कि जो भारतीय सनातन धर्म है या जो भारतीय हमारी संस्कृति है, किसी भी धर्म से संबंधित हो, ये हमेशा इन्हीं देवी देवताओं से होकर गुजरती है, और ऐसा नहीं है कि हमको अध्यात्म शक्ति नहीं मिलती, शक्ति मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें योग्य तो होना चाहिए, उसके लिए हमें पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध नहीं हो फिर बोलते हमें शक्ति नहीं मिल रही है, भगवान कहाँ है, इधर उल्टी सीधी बातें करते हो, आपने सब शास्त्रों का नॉलेज नहीं लिया, आपको सामाजिक व्यवस्था नहीं पता, और आप उंगली उठा रहे हो, लांछन लगा रहे हो, तो भैया देख लो अब आप लोगों को चयन करना है। मैं तो एक वीडियो लाया था आप लोगों के लिए, मुझे बड़ा बुरा लगा, आप लोग क्या चाहते हो इस अच्छे से पेपर को पढ़ लो, मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लो पूछ करके, और आप लोगों के क्या कमेंट रहेंगे, आप लोग क्या चयन करने हो, आप लोग क्या एक्शन है, कमेंट जरूर करना है इस पर। इस फिर इसके बाद हम अगली, अगर हमें कार्रवाई करनी पड़ी, भले हमें आगे कुछ भी आंदोलन करना पड़ा ऐसे लोगों के खिलाफ, तो हम लोग करेंगे, आप लोग एकजुट बने रहेंगे, लेकिन कमेंट जरूर करना कि आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हो और आप लोगों का क्या मत है। जय हिंद वंदे मातरम।